नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। अब मैं बताऊंगा आपको कि जो अपने जो इफेक्ट है वो बिना ड्रॉप किए टाइमलाइन पे कैसे लगाने हैं आपको। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपने जो इफेक्ट हैं उनको देख लेंगे, कौन सा इफेक्ट कहाँ है वो कैसे लगाने हैं। जैसे ये इफेक्ट है अपना, अपने को यहाँ पर ये इफेक्ट चाहिए। जैसे ये कट है, कट पे कैसे जाएंगे, पेज अप करेंगे तो आपका कट आ जाएगा। ये देखिए, घोड़ी पे होके सवार चला है दूल्हा यार, कमरिया में बंद आ गया यहाँ पर। तो पेज अप पे कट पे जाएंगे, अपन जाते हैं वीडियो ओवरलैप होके यहाँ पर कट लग जाए। तो इसको माउस को पॉइंटर को इफेक्ट पे ले जाना है और डबल क्लिक मारना है। डबल क्लिक करते हैं, इधर देखिए इफेक्ट लग गया है। चला है दूल्हा यार कम इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई हो चुका है, कंट्रोल जेड कर दीजिए। आप चाहते हो आपका ये जो वीडियो है वो सरके नहीं, ओवरलैप ना हो, उसके लिए आपको कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाना है, फिर इफेक्ट पे डबल क्लिक करना है। याद रखें, कीबोर्ड का कंट्रोल बटन और इफेक्ट पर डबल क्लिक, इससे आपका वीडियो ओवरलैप नहीं होगा, बल्कि जो अपना वीडियो रहेगा उसका फर्स्ट फ्रेम, जो शुरू वाला वीडियो है इसका इसका फर्स्ट फ्रेम ही लेगा, और जो जो पूरा वीडियो रहा उसका लास्ट फ्रेम लेगा, और यहाँ पर ये अपना इफेक्ट अप्लाई कर देगा। लेकिन आप जानते हैं, इससे आपका वीडियो थोड़ा हल्का सा रुका हुआ दिखेगा। ये देखिए, मैं दिखाता हूँ कैसे। है दूल्हा यार वहाँ पर ये अपना जो इफेक्ट है वो गया नहीं। अपन बीच में ट्राई करते हैं। इसके लिए अपने को ए टू ए ले लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ए टू ए चला गया है। चला है दूल्हा यार कमरिया इसमें फिर मैं देखा अपने यहाँ पर वीडियो रुका, फिर बाद में अपना दूसरा वीडियो चला। तो ये इफेक्ट नहीं लगाए तो अच्छा है अपने, तो डायरेक्ट डायरेक्ट इफेक्ट लगाइए। ए टू बी में गए, ये इफेक्ट लगा दिया, बहुत शानदार। ये तो मैं वैसे ही आपको दिखा रहा हूँ, बाकी आप नन्हे तो ये लगेगा जैसे पेज डाउन किया, नेक्स्ट क्लिप पे डबल क्लिक करा, ये आ गया आपका इफेक्ट। फिर पेज डाउन करा, यहाँ पे आपको दूसरा चाहिए, अल्फा का चाहिए, डबल क्लिक किया, आ गया इफेक्ट। फिर पेज डाउन किया, यहाँ पर ये चाहिए आपको, एवीआई में चाहिए आप, ये चीज ड्यूल एफेक्ट्स में ले लीजिए। पेज डाउन किया और डबल क्लिक किया, ये आपका इफेक्ट आ गया। ये तो हो गया अपना इफेक्ट। इसके बाद में अपना आता है ओनली अपने को टाइम लाइन पे इफेक्ट लगाना है, फ्रेम वाला, ए टू ए में फ्रेम वाला ये इफेक्ट ले लीजिए। ग्राफिक्स में भी अपने बहुत सारे फ्रेम पड़े हैं, देखिए। तो आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका इफेक्ट लग तो जाएगा, ये रुकेगा नहीं, इसको होल्डिंग टाइम लगेगा। इसलिए अपने को शिफ्ट के साथ
डबल क्लिक करना है तो आपका इफेक्ट टाइमलाइन पे वीडियो पे आ जाएगा और इसको आप ड्रैग कर लीजिए, यानी कि उधर से अपन ने ओनली डबल क्लिक किया था। रात में आपको ओवरले इफेक्ट लगाने हैं तो ओवरले ले लीजिए, लगाना है डबल शिफ्ट के साथ ओवरले। मेरे मीडिया अभी वेरीफाई नहीं है आ रहा है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं, वो तो मैं कर लूँगा। ये देखिए आ गया, क्या के घुमार थोड़ी पे होके सवार चला है दूल्हा यार। शिफ्ट दबाओगे तो इफेक्ट ओनली वीडियो पे आएगा और बिना शिफ्ट के डबल क्लिक मारोगे तो आपका वीडियो पे कट ऑटोमेटिक लग जाएगा और आपका इफेक्ट भी डबल क्लिक करने से लग जाएगा। ये देखिए अगर यही इफेक्ट आप शिफ्ट के साथ दबाते तो ये ओनली टाइम लाइन पर ही आता है इफेक्ट, अपने वीडियो पे अपने इसको ड्रैग कर सकते थे। तो ध्यान रहे इफेक्ट अगर आपको पूरी वीडियो पे लगाना है तो ड्रैग शिफ्ट के साथ डबल क्लिक करिए, और अगर ओनली दो क्लिप को जोड़ने के लिए इफेक्ट लगाना है तो आप डायरेक्ट डबल क्लिक करिए। ये देखिए मेरे थोड़ा ग्राफिक कार्ड का प्रॉब्लम चल रहा है इसलिए इसमें ग्राफिक नहीं दिखा रहा है यहाँ पर, और वहाँ पर भी आपको एक अलग अलग लगा रहा था मैं इफेक्ट, वो एक ही दिख रहे थे सारे। ये हो गया डबल क्लिक, सिंगल ट्रैक सेलेक्ट किया, डबल क्लिक ए टू ए बी। मेरा वाइप का यहाँ पर है ध्यान रहे टाइमलाइन वीडियो वाली सिलेक्ट रहेगी तभी इफेक्ट सही लगेंगे। ये देखिए नहीं लगा, वीडियो वाली सिलेक्ट की फेस डाउन किया लग गया, तो ये भी ध्यान रखें आप वीडियो वाली टाइमलाइन फेस डाउन ये लग गया आपका इफेक्ट। इस तरह से आप जल्दी इफेक्ट काम कर सकते हैं। इफेक्ट के लिए तो और भी बहुत सारे तरीके हैं, मैं बताऊंगा आपको आगे वीडियो में। ये देखिए आप थ्री डी इफेक्ट भी काम में ले सकते हैं आप, टाइमलाइन सेलेक्ट करी पेज अप किया डबल क्लिक किए, देखिए आपका इफेक्ट ऑनली डबल क्लिक के साथ में इफेक्ट आ रहा है। आप इस इफेक्ट को लंबा खींचना चाहते हो डबल क्लिक करो वीडियो पे भी इफेक्ट आ जाएगा आपका, खींच दो। ऐसे इफेक्ट में भी अपने को कई दिक्कतें आती है। मान लीजिए अपन ने इफेक्ट पहले से लगा दिए फिर बीच में अपने को वीडियो काटा, वहाँ पर अपन ने इफेक्ट लगाया तो आगे के इफेक्ट उल्टे हो गए, यानी कि जो पहले आना था वीडियो वो बाद में आ रहा है, ऐसे हो जाता है कभी। उसका मैं बताऊंगा क्या करना है। धन्यवाद दोस्तों, मैंने अपने नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं।
और कर आप उस पर।